मैम वेट, हाय माय नेम इज़ रिया एंड मेरी बुकिंग है। आई एम रियली सॉरी मैम बट आप अंदर नहीं जा सकते। पर मेरी बुकिंग है, मैं क्यों नहीं आ सकती? यस मैम बट आपने साड़ी पहनी है एंड आई कैन नॉट अलाउ। साड़ी पहनी है क्या मतलब? ये इंडिया है राइट, हम साड़ी पहन के एंट्री नहीं कर सकते तो फिर तो हम कहीं नहीं जा सकते। मैम दिस इज एन इंटरनेशनल कैफे और यहाँ पर आप एक इनअप्रोप्रिएट ड्रेस में नहीं आ सकते। इनअप्रोप्रिएट? कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अप्रोप्रिएट देन? मैम पहले तो प्लीज आप इस कैमरा डोंट यू डेयर टू टच। मैम हम अपने कैफे में सिर्फ स्मार्ट कैजुअल्स अलाउ करते हैं एंड साड़ी को हम स्मार्ट कैजुअल्स में नहीं काउंट करते, सो प्लीज अंडरस्टैंड। कैन यू शो मी एनी डॉक्यूमेंट विच सेज साड़ी इज एन इनअप्रोप्रिएट ड्रेस? प्लीज शो मी दैट। मैम हमारे जो रूल्स हैं वो रूल्स हैं, आपको उनको फॉलो करना पड़ेगा। प्लीज आप यहाँ से चले जाइए। हाँ तो आप डॉक्यूमेंट दिखाइए ना मुझे, कहाँ लिखा है? मैम आई एम रियली सॉरी बट आई एम नॉट हियर टू आर्ग्यू विद यू। एक्सक्यूज मी व्हाट इज योर नेम? अपने मैनेजर से बात करवाइए मेरी। एक्सक्यूज मी हेलो हेलो सर, मेरी एक कंप्लेंट है अगेंस्ट दिस मॉडर्न कैफे। जी कहिए। सर मैं अभी यहाँ इस कैफे में लंच करने के लिए गई थी बट दे डिड नॉट अलाउ मी क्योंकि मैंने साड़ी पहन रखी है। अब मैडम इसमें हम क्या कर सकते हैं, प्राइवेट जगह है, उनके रूल रेगुलेशन अलग होते हैं। आप किसी और होटल में चली आती, पर इतनी सी बात पर कंप्लेंट किस बात की? सर कंप्लेंट इस बात की है कि इंडिया में आप इंडियन अटायर को इनअप्रोप्रिएट नहीं कह सकते। देखिए मैडम बहुत काम होते हैं हम पुलिस वालों के पास, हमारा टाइम वेस्ट मत करिए। नमस्कार। बट सर क्या हुआ रिया, बहुत परेशान नजर आ रही हो। यार हम इंडिया में ही रहते हैं ना। ये कैसा सवाल है, ऑब्वियसली इंडिया में। पर अपना ही कल्चर फॉलो करने में इतनी प्रॉब्लम क्यों होती है? क्या हुआ है तुम बताओगे मुझे? मैं लंच करने गई थी, यू नो दैट राइट? हाँ। मुझे उस कैफे में एंटर नहीं करने दिया। क्यों? क्योंकि मैंने साड़ी पहन रखी थी, उनके अकॉर्डिंग साड़ी एक अप्रोप्रिएट ड्रेस नहीं है। इतना सब कुछ होने के बाद जब मैंने पुलिस स्टेशन फोन किया और मैंने उनको कंप्लेंट रजिस्टर करने के लिए बोला तो उन्होंने नहीं किया, ऊपर से उन्होंने फोन काट दिया। अब कोई प्रूफ है तुम्हारे पास इस चीज का? हाँ ये वीडियो रिकॉर्ड किया था मैंने, वो जब मुझे बोल रही थी। मैम हमारे कैफे में भी ओनली अलाउ स्मार्ट कैजुअल्स एंड साड़ी को भी डोंट काउंट एज स्मार्ट कैजुअल्स, सो प्लीज। परफेक्ट, एक काम करते हैं हम इस वीडियो को सोशल मीडिया पर डाल देते हैं। सही है, कम से कम इस स्लेव मेंटालिटी का पता तो चलेगा। लाओ मैं अपलोड कर देता हूँ। एंड साड़ी को भी डोंट काउंट एज स्मार्ट कैजुअल, सो प्लीज। हाँ जी गुड मॉर्निंग, ये आपके एरिया में क्या हो रहा है? जी क्या हुआ सर? अरे 578 कैफे का आपका ये वीडियो वायरल हो रहा है ना, किसी लेडी के साथ इन्होंने बदतमीजी की है क्योंकि उसने साड़ी पहनी हुई थी। प्लीज आप इन्वेस्टिगेशन करवाइए और अगर ये सही हुआ तो इस कैफे को बंद कीजिए। हमारे ही देश में हमारे ही देशवासियों के साथ बदतमीजी नहीं हो सकती इस तरह की। ओके सर हम देखते हैं। ओके हेलो। अरे भैया तुमने टीवी देखा? नहीं क्यों क्या हुआ? वो कैफे बंद हो रहा है। What? कैफे बंद हो रहा है? हाँ मुझे अभी मीडिया वालों का कॉल आया और वो हमारा इंटरव्यू लेना चाहते हैं।
ओके तुम भी वहां पहुंचो, मैं भी आती हूँ। तो आइए बात करते हैं अब रिया जी से। मैडम क्या ये बात सच है, इस कैफे ने आपको सिर्फ इसलिए अंदर नहीं आने दिया क्योंकि आपने साड़ी पहनी थी? हाँ ये बात बिल्कुल सच है। इनफैक्ट इस इंसिडेंट के बाद तो मुझे ऐसा फील होने लगा है कि हम अभी अंग्रेजों के गुलाम। एंड आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड कि आखिर क्यों अपने ही देश में अपने ही ट्रेडिशनल क्लोथ को पहनने के लिए हमें इतना सहना पड़ रहा है। आई डोंट गेट दैट। तो ये थी रिया जी के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत। ज्यादा जानने के लिए देखते रहिए पीडीटी न्यूज। सॉरी मेरी वजह से आप लोगों की जॉब चली गई। आप क्यों सॉरी कह रही है, ये सब जो भी हुआ है वो हमारी गलती से हुआ है। सी मेरा इंटेंशन इस कैफे को बंद करवाना बिल्कुल नहीं था। इट्स जस्ट दैट आई फेल बैड कि हमारे कल्चर को कोई डिसरिस्पेक्ट कर रहा है। एंड अगर आज भी हम वेस्ट के कल्चर से इतना डोमिनेटेड रहेंगे हम अपना सिग्निफिकेंस खो देंगे। यू आर राइट, मॉडर्न बनने के चक्कर में मैंने अपने ही ट्रेडिशन को अपने ही कल्चर को इतना डिसरिस्पेक्ट इतना डिमीन किया कि मैं अपने खुद के रूट में। एंड देखिए ना वो सबका आउटकम। दैट्स ओके, जो हो गया सो हो गया, लेट्स फॉरगेट दैट एंड मूव फॉरवर्ड। इन द क्वेस्ट टू बिकम मॉडर्न वी समटाइम्स फॉरगेट आवर रूट्स। It's high time to stop it. That's it for this story. See you next week. Khuda hafiz and stay positive. If you are going through any psychological or relationship problem, then you can join our positivity group by the name of Nijo Positive. It's a community counseling group wherein you can submit your problems anonymously and people in the group will try to solve it or support you with positivity. The link is in the description below. Thank you. Bye-bye.